आम चुनाव सर पर आ गए, महज 3 महीने दूर है, नया साल आ चुका है, लेकिन अभी तक सीटों पर बंटवारे को लेकर कोई बात इस विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में नहीं बनी है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे फाइनल करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन 31 दिसंबर बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं, वो समय निकल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस को इसके सहयोगी कई क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में लगातार चुनौती दी है। केंद्रीय स्तर पर एक साथ आए ये दल राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहते। बंगाल में कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस भिड़ी हुई है, तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच तीखा टकराव है, भले दिल्ली में दोनों सीट बंटवारे की बात कर रहे हो। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। मान ने ये बात तब कही जब उनसे पंजाब कांग्रेस के नेताओं की आपके साथ गठबंधन करने को लेकर अनिच्छा के बारे में पूछा गया। कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। पंजाब कांग्रेस ने हाल ही में राज्य में विशाल रैली कर आलाकमान को संदेश दिया कि आपके साथ गठबंधन आत्मघाती होगा। पश्चिम बंगाल में भी कुछ नेता तृणमूल कांग्रेस से गठजोड़ के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस का जो भी समर्थन आधार है वो इससे साफ हो जाएगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी लगातार ममता और टीएमसी पर हमले बोलते रहे। कांग्रेस ने तृणमूल की तय समय सीमा पर भी अमल नहीं किया। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य कांग्रेस दूरदर्शिता नहीं दिखा रही। तृणमूल ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता बीजेपी के एजेंट हो चुके हैं। दीदी ने यहाँ गठजोड़ की संभावना खत्म कर दी है, उनकी बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो गठबंधन नहीं चाहती। बंगाल की मुख्यमंत्री गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उनको समस्याएं झेलनी होंगी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंगाल में कौन आता जाता है ये हमारा सरदर्द नहीं है, ये हम पहले ही कह चुके हैं। कांग्रेस की बंगाल में अपने बूते लड़ने की ताकत है और जहां हम मजबूत होंगे लड़ेंगे। बंगाल कांग्रेस के रुख और दिल्ली कांग्रेस के रुख में साफ अंतर है। कांग्रेस सोनिया राहुल एक मजबूत इंडिया अलायंस के लिए टीएमसी से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन बंगाल में राज्य कांग्रेस बीजेपी के बिचौलिए की भूमि निभा रही है, क्योंकि 2021 में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। उधर सीट बंटवारे में लगातार हो रही देरी के बीच ममता बोल चुकी है कि बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, लेकिन बातचीत अभी पूरी तरह टूटी नहीं है और तालमेल की संभावना है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों को मिलकर लड़ने के फायदे मालूम हैं। सीट शेयरिंग जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही रखा था। सूत्रों अनुसार ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में गठबंधन बनाने के लिए सोच रहे हैं और इस विषय पर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अब इस समय दोनों पार्टियों का नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टीज बीजेपी को मदद कर रहे हैं। पंजाब में मोहम्मद गजाली के साथ, कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ, सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।